मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12th में हमारा बीएससी में थर्ड चैप्टर प्रबंध के सिद्धांत और तकनीकी चल रहा था। हमने कल आपको ये बताने का प्रयास किया कि सिद्धांत क्या होते हैं, साथ ही में बताया कि सिद्धांतों का किस प्रकार से उपयोग कर प्रबंधक अपने इष्टतम लक्ष्य जो उन्होंने पूर्व निर्धारित किए हैं उसको श्रेष्ठतम तरीके से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रबंध के सिद्धांत जो होते हैं किस प्रकार प्रबंधकों को मार्गदर्शन का व्यवहार में अप्लाई करने का ताकि वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके काम में लेने का मार्गदर्शन करते हैं। हमने ये बताया कि आधुनिक प्रबंध जो आज का प्रतिस्पर्धी वातावरण है, जहाँ मशीनों का औद्योगिक वातावरण है, वहाँ पर हर प्रबंधकों को विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है जो उसे प्रबंध के ज्ञान के द्वारा प्रबंध के सिद्धांतों को सीख कर ही आता है। तो आज का जो आधुनिक प्रबंध है उसे हम वैज्ञानिक प्रबंध भी कहते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग कर ही आप आज के इस युग में शेष प्रबंध कर सकते हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के बारे में हम बात करें तो वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा में हमारे हेनरी फ्योल हैं, उनके प्रशासनिक प्रबंध मॉडल उन्होंने विकसित किया, जिसके अंदर उन्होंने अपने 14 प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो कि आज के युग में सर्वाधिक उपयोग में लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मियो, इनका नाम भी आता है, जिन्होंने अपने कारखाना स्तर पर प्रबंध के उच्च स्तर पर कर्मचारियों के कार्यों व्यवहारों को समझने, उनके से कैसे कार्य लिया जा सकता है, कैसे परिणामों की प्राप्ति की जा सके, इसके लिए बहुत सारे शोध और टेक्निकल अध्ययन उन्होंने किए और 6 से लेकर 54 सिद्धांतों तक उन्होंने प्रतिपादित किए। 6 से लेकर 54 सिद्धांत पढ़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं, सब वो परिस्थिति जन्य हैं, व्यवहार में काम में लिए जाते हैं, लेकिन परिस्थितियाँ अलग अलग होती है। तो हमारे जो सामान्य प्रबंध के सिद्धांत है जो हेनरी फ्योल ने प्रतिपादित किए हैं, उन 14 सिद्धांतों को हम आज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो 14 हेनरी फ्योल द्वारा प्रतिपादित जिसे हम सामान्य प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य प्रबंध के सिद्धांत अर्थात ऐसे सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि सामान्यतः प्रबंधकीय कार्यों के अंदर यूज किए जाते हैं, सार्वभौमिक है, जिसे ज्यादा से ज्यादा प्रबंधक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यूज में ले रहे हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं सिद्धांतों में, पहला सिद्धांत इन 14 सिद्धांतों में वो है कार्य विभाजन का सिद्धांत। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कार्य विभाजन यानी कार्यों का विभाजन। हेनरी फ्योल का मानना है कि किसी भी संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्य संगठन में किए जाते हैं, लेकिन कार्य बहुत ज्यादा होते हैं लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और करने वाले व्यक्ति भी बहुत सारे होते हैं। तो उनका ये मानना है कि किसी भी इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाना चाहिए और हर कर्मचारी को उसकी योग्यता यानी उसकी विशेषता और उसकी रुचि के अनुसार उसे कार्य दिया जाना चाहिए ताकि वह अपनी योग्यता का पूरा उपयोग करके संगठन को लाभान्वित कर सके। यानी कार्यों का विभाजन कार्य करने वाले की रुचि के अनुसार दिया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति श्रेष्ठता से अपनी योग्यता का उपयोग संस्था के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान के रूप में दे सके। इनका ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी रुचि और अपने कार्य करने की योग्यता के अनुसार कार्य करता है तो वह अपना श्रेष्ठतम देता है, और एक ही कार्य को जब हम बार बार करते हैं तो हम उस कार्य करने के अंदर क्या हो जाते हैं, और निपुण हो जाते हैं और अपनी विशिष्टता का फायदा हम संस्था को दे पाते हैं। तो कार्य का विभाजन वो भी किस आधार पर, विशिष्टता के आधार पर। अर्थात आज मैं आपको बीएसटी पढ़ा रही हूँ, यानी मैं बीएसटी पढ़ाने का विशेष अध्ययन करके आई हूँ, तो मैं बीएसटी सब्जेक्ट बेटर पढ़ाऊंगी, बेटर देन अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले को अकाउंटेंसी का कार्य दिया जाए और बीएसटी पढ़ने वाले को बीएसटी का कार्य दिया जाए तो हम बेहतर, कार्यों का विभाजन हुआ दो व्यक्तियों के बीच बटा और मुझे मेरी रुचि का और सामने वाले को सामने की रुचि का कार्य देंगे तो हम बेहतर तरीके से अपनी योग्यताओं का प्रयोग करेंगे और संस्था को लाभान्वित करेंगे। इसीलिए कि विशिष्टता के आधार पर कार्य का विभाजन होता है, इसलिए विशिष्टीकरण का सिद्धांत, इसका
विशिष्टीकरण का सिद्धांत भी कहा गया है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसका नाम। कई बार विशिष्टीकरण का सिद्धांत आ जाता है तो भी आपको यही बताना है क्या फायदे होते हैं विशिष्टीकरण के सिद्धांत या कार्य विभाजन के सिद्धांत के। कार्य जो होता है शीघ्रता से होता है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है क्योंकि उनको कार्य उनकी रुचि के अनुसार प्राप्त होता है तो बेहतर तरीके से कार्य करते हैं, जो संगठन के संसाधन है उनका बेहतरीन उपयोग होता है। ठीक है, और विशिष्टीकरण का क्या फायदा भी प्राप्त होता है, संसाधनों का अपव्यय कम होता है। हानि क्या होती है इससे, हानि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक ही काम को जिसके तरह मनुष्य मानवीय क्रिया है प्रबंध, तब एक ही कर्मचारी एक ही कार्य को बार बार करता है तो वो क्या होता है कार्य से ऊबने लग जाता है, तो कई बार वो कार्य क्षमता बढ़ने की बजाय क्या होता है रिवर्स होने लग जाती है कि एक ही काम को करते करते ऊबने लग गया तो वह कार्य क्या करने लग जाता है कम करने लग जाता है, जिसका दुष्परिणाम संगठन को भुगतना पड़ता है। तो आज हमने समझा आपका पहला सिद्धांत कार्य विभाजन का सिद्धांत, अगला सिद्धांत वो है अधिकार और उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जिसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।